डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम कविता सिंह है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी से असिस्टेंट प्रोफेसर इन पेंडियम पॉइंट रीवा से। आप सभी जानते हैं कि हम लॉकडाउन में चल रहे हैं और लॉकडाउन के थर्ड स्टेप में है, और लॉकडाउन का हमें घर में रह के पूर्णतः पालन करना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हाथों को सैनिटाइज करना है। किसी भी साबुन से आप अपने हाथों को दो से तीन मिनट तक वॉश कर सकते हैं। तो आपको अपने हाथों को वॉश करना है, सैनिटाइज करना है और मास्क का यूज़ करना है। मास्क का यूज़ अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको कंपलसरी है, करना ही है, और इससे ज़्यादा आपको कहीं नहीं जाना है। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपना पूरा कॉन्सेंट्रेशन अपनी स्टडी को दीजिए, क्योंकि आपके कॉलेज की तरफ से आपको बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसमें आपके सारे कोर्स को कंप्लीट कराया जा रहा है। और आपके जितने कॉलेज के जितने वरिष्ठ जन हैं, जितने प्रोफेसर्स हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, वो सभी बहुत ज़ोरों शोरों से आपके कोर्स को कंप्लीट कराने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और आप तक इस लेक्चर्स को, वीडियोस को, ऑडियो को, पीडीएफ को आप तक पहुँचा रहे हैं। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आगे का टॉपिक। हमने लास्ट में क्या देखा था, इम्यूनो डायग्नोस पढ़ा था। तो हमने देखा था कि किस तरीके से हम डायग्नोस करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं हमने पढ़ा था। हमने वो कुछ टूल्स पढ़े थे, इंस्ट्रूमेंट्स पढ़े थे, और उसके लिए जो सेटअप की आवश्यकता है उस सेटअप को हमने डिस्कस किया था प्रीवियस में। अब उसके फर्दर आगे क्लास जो है उसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जो हमारी आज की क्लास है वो हमारी किस पे है, डेवलपमेंट ऑफ इम्यून डायग्नोस। तो हमको यहाँ पर देखना है इसका डेवलपमेंट से आप समझते हैं, डेवलपमेंट से आप समझते हैं कि हमको क्या करना है, इसका ग्रोथ करना है। और हम ये भी देखते हैं कि पर्टिकुलर किस डिसीज़ के लिए कौन सी टेक्निक यूज होगी, कौन से टेस्ट होंगे, और किसके माध्यम से हमारा रिजल्ट कैसे हमको मिलेगा, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम सबसे पहले हम देखते हैं हमारे डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है स्पेसिफिक रिएक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट है स्पेसिफिक रिएक्शन से हम क्या समझते हैं, आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि स्पेसिफिक रिएक्शन मतलब कि कुछ ऐसे एग्जांपल्स अब मैं आपको यहाँ पर दूंगी जिससे आपको क्लियर होगा कि स्पेसिफिक रिएक्शन हम किसको बोलेंगे। सबसे पहले हमारा एग्जाम्पल है जो हमने प्रीवियस भी क्लास में आपको डिस्कस किया है, फर्स्ट वन इज एंजाइम और सबस्ट्रेट। आप सभी को पता है कि एंजाइम सबस्ट्रेट जो रिएक्शन होती है दोनों के बीच, ये एक स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब हम कैसे क्लियर करेंगे कि जो हमारे एंजाइम है तो उनको एक बाइंडिंग साइट की ज़रूरत होती है, उनमें एक्टिव साइट होती है, तो वो बाइंडिंग साइट जो है तो वो जब ढूंढते हैं तो उनके लिए एक स्पेसिफिक होना चाहिए, वो वहीं पर ही होते हैं। उसका बेस्ट एग्जांपल उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपके पास बहुत अच्छा एग्जांपल है लॉक एंड की का। और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको बीएससी में लॉक एंड की थ्योरी भी पढ़ाई गई होगी, जिसमें इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल में दिया हुआ। फिर हम बात करते हैं जो हमारे सेकेंड रिएक्शन की, तो वो है बेस्ट एग्जांपल एंटीजन और एंटीबॉडी का। एंटीजन एंटीबॉडी आप अपने इम्यूनोलॉजी की हम अभी करेंट में फिफ्थ यूनिट कंटिन्यू कर रहे हैं, और फर्स्ट फोर्थ यूनिट तक आपको बहुत अच्छे से, मुझे उम्मीद है कि आपके एंटीबॉडी, एंटीजन, इम्यूनोलॉजी जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिक इम्यूनोलॉजी के वो क्लियर हो गए। तो आप एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन रिएक्शन को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे कि मैं किस स्पेसिफिक रिएक्शन की बात कर रही हूँ। फिर हम बात करते हैं हमारा नेक्स्ट कि हार्मोन और रिसेप्टर। तो हमको मालूम है, हमने आपको लास्ट क्लास में रिसेप्टर्स भी बताए कि रिसेप्टर कहाँ पर होते हैं, मेम्ब्रेन की आउटर सरफेस पे होते हैं, और इस सरफेस पर क्या होते हैं, जो रिसेप्टर होते हैं वो बाइंड होते हैं ना। तो हम अगर बात कर रहे हैं अब हमारे हार्मोन की, तो जो हमारे हार्मोन्स हैं वो अपनी बाइंडिंग साइट प्रोवाइड करेंगे, और उनको बाइंड होने के लिए किसकी आवश्यकता होगी, रिसेप्टर की होगी। जैसा कि आप सभी जानते हैं थर्ड वन हमारा है हार्मोन, देन रिसेप्टर। तो हमें रिसेप्टर से क्लियर हो रहा है कि
कि जो क्या कर रहा है रिसीव करता है चीज़ों को और बाइंड करता है, हम रिसीव करके चीज़ को अपने पास रख लेते हैं तो क्या हो गया, हम रिसेप्टर हो गया। जिस तरीके से हम डोनर होता है एक्सेप्टर होता है, वैसे ही क्या है हमारा रिसेप्टर। अब हम आगे देखते हैं कि हमारा डीएनए कहाँ पर ऐड हो रहा है, कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड। तो हमारा जो फोर्थ नंबर है ये क्या है, डीएनए। डीएनए किससे ऐड होगा, हमारे कॉम्प्लीमेंट स्ट्रैंड से। तो आपको सभी को पता है कि डीएनए क्या होता है। डीएनए आपको क्लियर होगा कि डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और डीएनए जो कि जो स्पेसिफिक रिएक्शन है, स्पेसिफिक साइट है, वो अपने लिए क्या बनाता है, एक कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेंथ बनाता है। सपोज दैट हम लोग कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमको क्या होता है, एक कॉम्प्लीमेंट्री गिफ्ट मिलता है ना। उसी तरीके से डीएनए जो है वो क्या करता है, जो उसकी बाइंडिंग साइट है वो कॉम्प्लीमेंट स्ट्रेंथ को क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है, वहाँ पर जाकर वो क्या कर रहा है, स्पेसिफिक रिएक्शन अपनी देगा। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, है ना, आप जब हम बायोकेमिकल्स की बात करते हैं तो हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये किससे बाइंड होते हैं, लैक्टिन से आके बाइंड होते हैं। ठीक है, अब आपको क्लियर हो गया स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होते हैं। हमारे स्पेसिफिक रिएक्शन में ये चार पाँच चीज़ें हैं जिनको हमने अभी अभी पढ़ा। अब हम देखते हैं कि बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिएक्शन क्या होती है, तो अब हम इनका आधार पढ़ते हैं कि जो स्पेसिफिक रिएक्शन है उसका आधार क्या होगा, जो है ना, क्योंकि किस आधार पर इनकी नींव क्या है, किस पे ये बेस्ड ऑन है, तो हम डिस्कस करते हैं बेस्ड ऑन स्पेसिफिक रिएक्शन। स्पेसिफिक रिएक्शन तो हम बात करेंगे इम्यूनो एसिड। इम्यूनो एसिड हमने आपको क्लियर कराया है कि इम्यूनो एसिड क्या होते हैं। ये इम्यूनो एसिड है, ये क्या होती है, एक बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, टेस्ट होता है। ये मैंने आपको जब इम्यूनो ग्लोबुलिंस पढ़ाया है, इम्यूनो एसिड मैंने आपको डिस्क्राइब किया है कि ये एक बायोकेमिकल टेस्ट होता है जिसमें एंटीजन एंटीबॉडी की पर्टिकुलर साइट देखी जाती है और जो उनका रिएक्शन साइट है वो भी हम इस टेस्ट के माध्यम से क्लियर करते हैं। तो इम्यूनो ऐसे है, इम्यूनो ऐसे में हमारे कौन कौन से आएंगे, एलाइजा आएगा हमारा, रिया आएगा। तो इसका अपना टाइप है जो हम नेक्स्ट क्लास में आपको मैं डिलीवर करूँगी। फिर हमारे हैं रेप्लिकेशन। अब ये हो गया, अब हम बात करते हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन की। तो हमारा जो रेप्लिकेशन है, रेप्लिकेशन में आएंगी ब्लॉटिंग। अब हम ब्लॉटिंग की बात करें तो आपको ब्लॉटिंग को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया होगा प्रीवियस क्लास में, ब्लॉटिंग कितने तरीके की होती है, क्यों किया जाता है, तीन तरीके होती हैं, साउदर्न, नॉर्दर्न होती है ना, वेस्टर्न ब्लॉटिंग होती है। तो इन ब्लॉटिंग के थ्रू आपने पढ़ा होगा कि आप जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो उसका जो टैंक होता है, किस तरीके से आप ब्लॉटिंग के थ्रू काम कर सकते हो, है ना। तो इस ब्लॉटिंग का यूज़ हम लोग इसमें कर रहे हैं रेप्लिकेशन में। मैंने आपको बताया कि रेप्लिकेशन क्या होता है, कि जो हमारा डीएनए है वो क्या करता है, रेप्लिकेट करता है, मतलब अपने ही जैसे एक नई कॉपी का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है। उसमें रेप्लिकेशन होगा, एक से अधिक कॉपियाँ बनेंगी, तो दैट इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। तो उसके लिए हम कुछ टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, तो वो टेक्निक होगी हमारी ब्लॉटिंग। और उस ब्लॉटिंग में जो पर्टिकुलर नॉर्दर्न ब्लॉटिंग होगी, साउदर्न ब्लॉटिंग होगी, हम उस साउदर्न ब्लॉटिंग को रेप्लिकेशन के लिए यूज़ करेंगे। फिर हमारा जब आता है नेक्स्ट टॉपिक, हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्शन। जब हम ट्रांसक्रिप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पर भी हम ब्लॉटिंग यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पर कौन सी नॉर्दर्न ब्लॉटिंग है जिसका हम यूज़ करते हैं। फिर हम देखते हैं कि जो हमारा कॉम्प्लीमेंट डीएनए है वो कहाँ पर ऐड होता है। तो कॉम्प्लीमेंट डीएनए की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर पीसीआर होता है। पीसीआर आपको पता है कि जब हमको पॉलीमरेज चेन रिएक्शन होती है, जब हमको डीएनए की मल्टीपल कॉपीज बनानी होती हैं, एक से अधिक कॉपीज बनाना होता है, तो व्हेन वी आर यूजिंग पीसीआर, जो हमारी लैब में भी है
और जिसके थ्रू अभी भी आप देखते हैं कि जो COVID-19 चल रहा है इसके टेस्ट के लिए भी हम लोग PCR का यूज़ कर रहे हैं, है ना। तो हमारे हॉस्पिटल्स में, हमारे लैब में, जो हम प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता रही थी कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, तो उसमें एक PCR भी होता है जिसका यूज हम डिसीज़ को डायग्नोज करने के लिए करते हैं। अब हम देखते हैं हमारा कि इम्यूनो टेक्निक्स क्या है, इम्यून टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं। इम्यूनो टेक्निक्स जैसे आपको क्लियर होगा इम्यूनो से और टेक्निक्स की अगर हम बात करते हैं तो ऐसी चीज़ें, ऐसे टेक्निकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया जाता है, ऐसी तकनीकी का यूज़ किया जाता है जिसके माध्यम से हम इम्यूनो डायग्नोस कर पाएँ। जो हम डायग्नोस करते हैं उसके लिए हम कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब कौन सी टेक्नोलॉजी हम देखते हैं, तो इसी तरीके से इसके एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि एलाइजा भी होता है, रिया होता है। अब एलाइजा और रिया का जो डिस्क्रिप्शन है ये हम आपको आगे देखें, इसमें बहुत सारे टाइप होते हैं, सैंडविच टाइप है और भी टाइप है जिनको हम आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे कि जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगी इसी में हमारी क्या होगी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होती हैं, है ना। तो हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन से क्या करते हैं, हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सेंट्रीफ्यूज हम लोग डिस्कस करते हैं। जब हम सेंट्रीफ्यूज की बात करते हैं तो जब हमारे ब्लड को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वहाँ सेंट्रीफ्यूज करते हैं, और वहाँ पर क्या होता है कि सेंट्रीफ्यूज यूज करने पे जो हमारा सैंपल होता है वो सैंपल कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि ब्लड ही हो। जिस भी सैंपल को हम यूज़ करते हैं हमारे प्रैक्टिकल को कंटिन्यू करने के लिए, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे टेस्ट ट्यूब में वाइट कलर का ऊपर पफी फॉर्म में एक फॉर्म झाग जैसा कलेक्ट हो जाता है, दैट इज़ कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। और नीचे क्या हो जाता है हमारा एक एक ऊपर झाग तैयार होता है और नीचे ट्रांसपेरेंट मैटर होता है, तो हम क्या बोलते हैं कि प्रेसिपिटेशन। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज की क्लास में क्या पढ़ा, हमने डेवलपमेंट देखा कि किस तरीके से होता है, डेवलपमेंट के साथ साथ हमने स्पेसिफिक रिएक्शंस देखी, स्पेसिफिक रिएक्शन के साथ साथ हमने उन स्पेसिफिक रिएक्शन के भी के आधार को देखा, और इसके साथ हमने इम्यूनो टेक्निक्स को देखा। अब इस टेक्निक्स के बाद आगे और भी डायग्नोसिस हैं और किट्स की डिटेल है, और ये सारी डिटेल मैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में प्रोवाइड करूँगी। होप सो कि यू लाइक माय वीडियो एंड ऑल द बेस्ट। आप घर पे रहिए और अपने वीडियोज़ को और लेक्चर्स को अच्छे से पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।